मान लो कि विनेश का नाम आ गया फिर तो? वो तो वो जाने, टिकट लड़ती है तो वो जीत, वो चुनाव लड़ेगी तो जीतेगी। यहाँ से जाट बेल्ट है, देवीलाल के मसीहा थे यहाँ पर, उन्होंने इसलिए वोट दिए। अब वो पार्टी छोड़ के बीजेपी मिल गई, उससे नाराज हो गए लोग। और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस सबसे ज्यादा फाइट में है, तो बड़ा तो निश्चित ही नहीं मान लो कांग्रेस का बनेगा। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलाली गांव में। ये गांव प्रसिद्ध है पहलवान बेटियों गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट के नाम से। हम ये माने कि इस गांव की जो सियासी तासीर है वो बदलती रही है। अब यहाँ की सियासी तासीर किस ओर है, कैसी है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बलाली गांव के कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं इस समय, अब उनसे हम बात करेंगे। हम यहाँ जानेंगे कि क्या माहौल है यहाँ पर। ताऊ जी राम राम। हाँ जी, राम राम जी। तो ताऊ जी बता दें, यहाँ की सियासी तासीर फिलहाल किस तरह की है, बीजेपी कांग्रेस को लेकर क्या माहौल आपका? ये तो मिला जुला रुख है जी दोनों का ही, हमारे दो। और तीसरी पार्टी का कोई वोट नहीं है, दो ही पार्टी के हैं, कांग्रेस के और बीजेपी के। और नैना चौटाला जी? नहीं, उसका कुछ वोट नहीं यहाँ पर, कोई होल्ड नहीं यहाँ पर। पिछली बार जब नैना चौटाला जितवाई तो वो क्या कारण रहे उनके, क्यों जीती थी वो? कारण उनका होल्ड था देवीलाल परिवार का यहाँ पे, जाट बेल्ट है, देवीलाल के मसीहा थे यहाँ पर, उन्होंने इसलिए वोट दिए। अब वो पार्टी छोड़ के बीजेपी मिल गई, उससे नाराज हो गए लोग। तो भविष्य में कभी उनका रहेगा ही नहीं विकल्प यहाँ? भविष्य में अब तो है कुछ, आगे का क्या पता जी। और यहाँ बीजेपी कांग्रेस में मेन फाइट हम मान ले। हाँ, मेन फाइट है। लेकिन उसमें भी हम मान ले कि यहाँ के लोग जो ज्यादा आप लोगों से मिलते होंगे वो क्या कहते हैं? ज्यादा तो ओल्ड कांग्रेस का बता रहे हैं, कांग्रेस का बता रहे हैं। वो ऐसा क्यों कि बीजेपी के खिलाफत का माहौल है इसलिए? हाँ, ये आरक्षण वगैरह इसके इसलिए खिलाफत की कोई वजह? बीजेपी तो लोग छक लिया सब, बीजेपी ने तो 10 साल में दुखी कर दिया। रोज आज उठ जाओ, आज उठ दस्तक करवा ले, आज उठ वो फार्म लगाओ, आज कम में करो, कोर्ट में रखे जमींदार तो कती दुखी कर दिया उन्हें, इसलिए नाराज हैं लोग। कांग्रेस पर ज्यादा खुश। अच्छा, तो कांग्रेस में भी लड़ाई सी छिड़ रही है ना? हुड्डा साहब कह रहे हैं कि उनके समर्थक कह रहे हैं कि उन्हें सीएम बना दो, सुरजेवाला के कह रहे जी इन्हें बना दो, शैलजा जी के कह रहे हैं उन्हें बना दो। लड़ाई तो छेदेगी कांग्रेस ने। हाँ, वो लड़ाई तो घर में लड़ाई हो जाए, छेद जाए हुआ तो उन राज में होने लग रही है। उनका आदमी बाजे हैं, कोकी तोड़ बाजे है, कोकी तोड़ बाजे है। तो मान ले कि टिकट वितरण में ऐसा हो गया कि जी हम नहीं दिए, वहाँ शैलजा जी के बोल दिए कि हमको टिकट नहीं मिली, हुड्डा साहब के दे दिए, ऐसे तो भीतरघात हो जाएगी फिर? हाँ, ऐसा ही काम चल रहा है उनमें तो। हुड्डा अपनी चलाएगा, शैलजा अपनी चलाएगी, किरण छोड़ के चली गई, ऐसे ही माहौल है। तो आम जनमानस के सोचे है जब इस तरीके की परिस्थिति आप कांग्रेस में देखो? जनमानस वोट तो डालने पड़ेंगे जी, जनमानस परिस्थितियाँ दिखी थी, बीजेपी का भी डाल दी, नहीं तो कांग्रेस का डाल देंगे, ऐसा माहौल। दोनों से माहौल है। आप क्या कहोगे ताऊ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहो। कांग्रेस ने हार को मुंह तो पहले ही देख लियो, 60 उम्मीदवार खड़ा कर दिया, 20-20 हजार रुपया भरवा लियो, मान लो 10-1 साइड में हो जाए तो 50 तो टूटे ही टूटेगा। तो कांग्रेस ने हार तो पहले ही दिखी आई। ये किसने बताया? नहीं है कोई उम्मीदवार बढ़िया आ जाएगा ना, फिर कांग्रेस जीत सके। बलाड़ी गाँव में तो कांग्रेस की पार्टी टिकट की दावेदार भी है। अच्छा, किसका नाम है? नाम तो विनेश का भी आ सकता है, एक महादेव बलाड़ी है, एक यो प्रीतम चेयरमैन है, फाइट में ये। अच्छा, मान लो कि विनेश का नाम आ गया फिर तो? वो तो वो जाने, टिकट लड़ती है तो वो जीत, वो चुनाव लड़ेगी तो जीतेगी, यहाँ से जीतेगी। आप क्या कह रहे थे ताऊ? एक तरफा जीत होगी विनेश की। अच्छा, अगर यहाँ तक आ गई तो। अच्छा, आप सारे लोग बाग हो, जब महावीर फोगाट जीते जब बात करो तो बात होया करे इस बाबत? नहीं हो, कोई बात नहीं हुई ना, इस बात में नहीं बात हुई। अच्छा, वैसे आप गांव देहात के लोग जानो। गांव है, हमें तो गांव में टिकट मिले इसको जिताने की कोशिश करेंगे, यही कहेंगे जीतेगी। विनेश को नहीं मिलती है तो दूसरे को मिलेगी, वो भी जीतेगा। लेकिन होना कांग्रेस का चाहिए। हाँ, वो कांग्रेस का ढंग आदमी आ जाएगा तो ठीक है, नहीं बीजेपी जीतेगी। अच्छा, बबीता फोगाट ने जब बीजेपी से चुनाव लड़ा तब आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया थी? हमारा हल्का नहीं था जी वो, हमें कोशिश तो काफी की, हमारा हल्का नहीं लगता वो, हमारा हम दादरी हल्के से नहीं, हम बाड़ा हल्के से। बाड़ा से हो, वो दादरी से चुनाव लड़ी थी। तो उनके हारने का क्या कारण आप मानते हैं? क्या बताए, हारने का तो हारने का, ये लोगों ने वोट नहीं दिए इसलिए हारे, और क्या हो। तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हमारे गांव की छोरी है, गांव गुआंड की है? कोशिश तो की थी हमने, तो काफी अपने रिश्तेदारियों में गए थे, कहा सुनी भी की थी, पर वो दादरी शहर के कारण हार गई ना।
कुछ माल होगा उसका कोई। तो यहाँ कुछ विकास हुआ था इस साल में इन इस सरकार के राज में? कुछ विकास को नहीं है इस सरकार में। विकास तो अब तो चले रहे हैं। ये तो विकास हुआ है। डिग्गी बनवा दी पानी की और क्या विकास होगा? न्यू ना मेरे कौन बनवाई? बैठ के बताऊं ना कौन बनवाई जी? नहीं ये तो बीजेपी का भी काम चल रहा है। हां बनवाई किरण ने बनवाई थी। तो फिर किरण क्या मैं थी कांग्रेस में थी। तो ताऊ की जो है वो लड़ाई इसी होगी है। ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि डिग्गी बनवाई। जिस आदमी ने काम करा क्यों सही बताओ है। यदि अपनी थी उसकी योजना हमने कहा ना डिग्गी बनवा दी। मेरे पर काम तो हुआ है, काम तो होने लग रहे हैं। काम तो ये किसान का वो मिले हैं, ये कार्ड बन गया वो भी है, वो तो काम तो करेगा। ये जिस आदमी का कार्ड बन रहा है, एक आदमी गरीब आदमी का उसने 1000 किलोमीटर मिले, वो तो वोट है बीजेपी को देगा। तो ये तो मैं मान लू 50-50 सा है, 50 बीजेपी के 50 कांग्रेस के। बारडा है ना ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस सबसे ज्यादा फाइट में है। तो बारडा तो निश्चित ही न्यू मान लो कांग्रेस का बनेगा। अच्छा। कोई 1% कुछ हो जा वह एक अलग बात है ना। तो इसमें शहर तो है ही नहीं कोई। तो कांग्रेस गामा मजबूत, शहर गामा का हल्का है बारडा।